कार्बन और इसके यौगिक चौथा वीडियो है जिसके अंदर यौगिकों के नामकरण के बारे में रहेगा। यौगिकों का नामकरण देखा जाए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यहाँ पे तीन कैटेगरियों के अंदर डिवाइड करके अपने सिलेबस में स्टडी करवाया जाएगा। सबसे पहले है रूढ़ पद्धति, रूढ़ रूढ़िवादिता, जो प्राचीन परंपरागत विधियां चली आ रही है उन पद्धतियों के अंतर्गत इसका नामकरण किया जाता है। रूढ़ पद्धति किसे कहते हैं, तो इसकी अपन परिभाषा लिखते हैं कि किसी भी पदार्थ का उसका प्राप्ति स्रोत या प्राकृतिक स्रोत जिस स्थान से प्राप्त हुआ या जिस चीज से प्राप्त हुआ उसके आधार पर नाम लिखा जाता है, तो उसे रूढ़ पद्धति कहते हैं। दूसरी है यहां पर व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति का मतलब होता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण किस यौगिक से किया गया, किससे उसको डिराइव्ड किया गया, किससे उसको व्युत्पित किया गया, तो जिस सरलतम यौगिक से उसका निर्माण किया जाता है तो उसके आधार पर नाम लिखते हैं, तो व्युत्पन्न पद्धति। नेक्स्ट आती है आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आईयूपीएसी जो पद्धति चलती है, इस आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत जो नामकरण लिखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, नामकरण लिखते समय इसके अंदर आईयूपीएसी का नामकरण लिखते समय सारी इसकी रूल फॉलो करनी पड़ती है। रूल्स फॉलो के साथ में अलग अलग इसके सीक्वेंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन डालूंगा। आईयूपीएससी के अंदर पूरा नाम पूछा जाता है, याद रखोगे आईयूपीएसी, इसमें पांच यहां पे करेक्टर डाले गए हैं। आई का नाम इंटरनेशनल, यू का यूनियन, ऑफ पी का प्योर, एंड ए का अप्लाइड, और सी का हो जाएगा केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इस रूप से यहां पर आईयूपीएसी का नामकरण, ये केवल फुल फॉर्म रहती है इसका पूरा विक्र, जिसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी के अंदर मुख्य श्रृंखला है, प्रतिस्थापी समूह सारा उसमें डिस्कशन किया जाता है। रूट पद्धति के अंदर प्राप्ति और प्राकृतिक स्रोत के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है, जिसमें कुछ यहाँ पे उदाहरण रहेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर CH4। CH4 को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, CH4 को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, CH4 मार्स गैस, मार्स गैस, मार्स गैस। यहाँ पे मार्स शब्द से अर्थ है मार्शियल, जो कच्छ गुजरात के अंदर जहां पे नमक की मात्रा ज्यादा है वहां पे जो जमीन है उसको मार्शियल, दलदली जमीन के नाम से जाना जाता है। तो दलदल से जो गैस प्राप्त होती है, दलदल से जो गैस प्राप्त होती है उसे दलदली या मार्शियल गैस कहते हैं, और मार्शियल गैस के आधार पर CH4 का नाम मार्स गैस लिखा जाता है। CH4 का नाम लिखा जाता है यहाँ पर मार्स गैस, CH4 मार्स गैस। दूसरा है यहां पर CH3OH। CH3OH में इसका नाम होता है मेथेनॉल वैसे, और साधारण भाषा में या रूट पद्धति में इसे नाम लिखा जाता है कास्ट स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं। और हाँ, तो अपन बात कर रहे थे रूट पद्धति पे। रूट पद्धति में यहां पे CH4 जिसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट है CH3OH जिसको कास्ट स्प्रिट कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से जो सर्वप्रथम लकड़ी प्राप्त होती है, जो गीली लकड़ियां होती है उसको इनऑर्गेनिक माध्यम में या फिर वायु की अनुपस्थिति में जब जलाया जाता तो उनसे जो रस प्राप्त होता है उससे ज्यादातर एल्कोहल बनाने का काम करते थे, इसलिए इसको कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं। तो CH3OH का रूट पद्धति में साधारण नाम हो जाएगा कास्ट स्प्रिट। नेक्स्ट है यहाँ पे CH3COOH, इसका नाम लिखा जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल नाम लिखने का कारण है, सबसे पहले इस एसिड को प्राप्त किया गया था सिरके से, सिरके को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसिटम, एसिटम, और एसिटम के कारण इसका नाम रख दिया एसिटिक एसिड। क्लियर चीज है, CH3COOH एसिटिक एसिड, सिरका एसिटम के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है CH3CCOOH, दो नंबर पे OH और यहाँ पे H, इसका अगर IUPAC नाम पूछे तो यहाँ पे 1, 2, 3 नंबरिंग हो जाएगा, नाम हो जाएगा टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलो उस चीज से अपना मतलब नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ये यौगिक जो लिखा हुआ है, ये सूत्र लिखा हुआ है, ये यौगिक है यहाँ पर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध और दही के अंदर, दूध और दही के अंदर, दूध और दही में पाया जाने वाला ये एसिड है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड दूध दही, और यहाँ दूध दही में एक संरचना और चार शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टम, और लैक्टम के कारण इस यौगिक का नाम लैक्टिक एसिड पड़ा। क्लियर चीज, ये यहाँ पे लास्ट में रहता है HCOOH, और इस HCOOH को जो प्राप्त किया गया था वो सबसे पहले लाल चींटियों से प्राप्त किया गया था, लाल चींटी, और लाल चींटियों से प्राप्त होने के कारण
इस योगिक में जो पदार्थ मिला उसका नाम था फॉर्मिका। क्यों? कि लाल चींटियों को फॉर्माइका कहा जाता है, फॉर्माइका, और फॉर्माइका लाल चींटियों से प्राप्त हुआ इसलिए इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल नाम रखने का कारण था लाल चींटियां। लाल चींटियों को फॉर्माइका कहते हैं और फॉर्माइका के कारण इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा। इसी रूट पद्धति के अंदर कुछ और भी नाम चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सीधी श्रृंखला लिख ली CH3CH2CH2CH2CH3। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला जिसको अपन पेंटेन कहते हैं, और पेंटेन के कारण सीधी श्रृंखला इसके इसलिए नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। और नॉर्मल पेंटेन आता तो आगे यहाँ पे एन लिखा जाता है, एन का मतलब है ये सीधी श्रृंखला चलने वाली होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और भी यौगिक आते हैं, अगर इस प्रकार की श्रृंखला आ जाती है CH3CH3CH और ये श्रृंखला चलती है तो इस श्रृंखला को आइसो समूह कहा जाता है, आइसो समूह। अब आइसो समूह के अंदर अगर यूं श्रृंखला में जोड़ू ये यहाँ पे CH2 फिर CH2 फिर CH2 और CH3 तो इस प्रकार की श्रृंखला आती है तो इसका नाम यहाँ से आइसो हो जाएगा, आइसो। अब यहाँ पे आइसो के बाद में इसका नाम इतने का नाम आइसो हो गया 1 2 3 4 और ये यहाँ 5 तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। तो ये श्रृंखला चलती है इस प्रकार से। यदि श्रृंखला आ जाए उसके बाद में CH2 CH2 CH3 तो इन प्रकार इस यौगिकों को नियो यौगिक के नाम से जानता है, जाना जाता है नियो यौगिकों के साथ में। ये यौगिक नियो यौगिक कहलाते हैं, इस प्रकार के यौगिक आइसो कहलाते हैं। ये सीधी श्रृंखला वाले चलते हैं जिसको नॉर्मल यौगिक कहते हैं, बाकी ये रूट पद्धति के अंतर्गत नाम रहते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट पद्धति में मैं व्युत्पन्न पद्धति और उसके बाद में IUPAC के बारे में डिस्क्रिप्शन डालूंगा।